मिजोरम के साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ईदगाह मैदान में एनआरसी और सीएए के खिलाफ लगातार चल रहे एतराजी जलसे को खिताब किया। आपको बता दें कि मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में तकरीबन 24 दिनों से लगातार एनआरसी और सीएए के खिलाफ दिन रात एहतजाज चल रहा है। इसी जलसे को खिताब करने साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ परिवार यह चाहता है कि हिंदुस्तान मुल्क को हिंदू राष्ट्र देश बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन लोगों ने कत्ल किया है संविधान की रूह का, उन लोगों का अपमान किया है जिन लोगों ने संविधान बनाया है। आगे कहा कि अमित शाह और मोदी जी सोच रहे होंगे कि मुसलमानों को डरा देंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमान केवल अल्लाह से डरता है और आप चाहते हैं कि मुसलमान आपको कोई सबूत दे, तो ये आपके बाप दादा के बस की बात नहीं है। अमित शाह और मोदी जी, तारीख देखो, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। तो हम बोलते हैं संविधान सभा, लेकिन तकसीब हो गया और जो मेंबर थे उसके मेंबर जिना भी थे उसके मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो चले गए पाकिस्तान और हमारे लोगों ने बनाया फ्री संविधान। जब संविधान बनाया गया तो उससे पहले कोई 7 साल पहले पंडित नेहरू की तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा था हिंदुस्तान के लिए हम ऐसा आइन बनाएंगे, ऐसा संविधान बनाएंगे जहां मजहब, जात पात, भाषा, जुबान, सूबा कोई तफरीक नहीं होगी, सारे हिंदुस्तानियों को बराबर का सम्मान मिलेगा, बराबर के हकूक मिलेंगे, बराबर के अधिकार मिलेंगे और बराबर के तरक्की करने के उनको मौके मिलेंगे। इस बात को कहा गया संविधान के अंदर, जो प्रस्तावना हमारी संविधान की है जिसे हम बोलते तमीज, वो प्रस्तावना जो संविधान की है उसको आप गौर कीजिए, शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के लोग, कोई जात पात मजहब सूबा दर्जा उसके अंदर कुछ नहीं है। आगे हम हिंदुस्तान के लोग, यानी सारे हिंदुस्तानी बराबर का दर्जा रखते हैं। हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हम हिंदुस्तान के लोग अपने मुल्क को एक जमहूरी खुदमुख्तार निजाम का बानी बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम जो गारंटी करते हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उन्होंने हत्या की है, कत्ल किया है संविधान की रूह का, उन्होंने अपमान किया है लोगों ने जिन्होंने उनका संविधान बनाया, इन बनाया और क्यों किया उन्होंने कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, भाजपा और संघ परिवार, उनका केवल एक मकसद है, एक उद्देश्य, वो ये हिंदुस्तान को एक हिंदू मुल्क बना दिया जाए, हिंदुस्तान को एक हिंदू राज बना दिया जाए और इसके लिए जो हथकंडा चाहो अपनाओ, जब चाहो पाकिस्तान में वाली दो, जब चाहो पाकिस्तान का डर बताओ, जब चाहो बोलो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, खुद के मारेंगे, अगर यहां वोट पड़ गए तो बैंड बजेगा पाकिस्तान में। सुनते आए, सुना नहीं थे आपने लोगों ने, बोलिए सुना है ना, ये क्यों कहा जाता है, इसलिए ये कहा जाता है, इसलिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो जाए और गुण को बांट दिया जाए दो टुकड़ों के अंदर, रिश्तों के बीच दीवार उड़ा दी जाए, इंसानियत को बांट दिया जाए, रिश्तों को बांट दिया जाए और उसी सिलसिले की एक कड़ी है, ऐसा कानून बनाओ और ये कहो कि हमने इस कुल के 20 करोड़ मुसलमानों को इस्तेमाल कर दिया है, जो हिंदुवाद, हिंदू राष्ट्र मानने वाले हैं, युद्ध को मानने वाले हैं, उनको नफसियाती खुशी मजबूत कराओ कि हमने मुसलमानों को अलग कर दिया है और कानून बनाकर हमने इतनी बदकारी रखती है, इतफाक में इतने रख दी है कि हम इनको शरीर से बाहर कर देंगे और इनके लिए हम मनाएंगे। और आपने हर होम मिनिस्ट्री ने आदेश दिए हर राज्य को
कि अपने अपने स्टेज पे अपने अपने ब्रांच में कंसंट्रेशन कैंप बनाने की जगह मुहैया की जाए और तैयारी की जाए। यानी वो कैंप जो हिटलर ने बनाए थे यहूदियों के लिए जर्मनी में, ये वो कैंप जो मुल्क बनाते हैं दुश्मनों के लिए, पकड़े जाते हैं मुल्क के अंदर जरूरी करते हुए या खड़ी होते हैं लड़ाई के, उनके लिए कैंप बनाए जाते हैं, वो तैयारी शुरू करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उनसे, अमित शाह जी और मोदी जी, अपनी आंखें खोलो, दिमाग पे जोर दो और तारीख की ओर आंख उल्टो और ये देखो कि 1200 साल से हिंदुस्तान के मुसलमान है तारीख के सवाल पर अपनी कुर्बानी इस बात की कहानी अपने खून से लिखी है, तारीख जमा है कि मुल्क के हर कदम पर अब सबसे आगे आया है। जब से इस मुल्क हमने कदम रखा है, जब से इस मुल्क ने हमको अपनाया है, जब से हमने ये तस्लीम किया है कि मफदार हिंदुस्तान के यहाँ के शहरी हैं, जिंदा है यहाँ के लिए और जान तक देते हैं अपनी मुल्क के लिए, हमारा ऐलान जाए आज चला नहीं। अमित शाह जी और मोदी जी तारीख उठा के देखो कि 1857 में लाखों उलमा ने आजादी के लिए फांसी चुपकी, सबसे लाखों उलमा लेकिन उलमा ने ऐलान किया था कि अंग्रेजों की फौज में जाना हराम है, अंग्रेजों की अदालत में मुकदमा करना हराम है, अंग्रेजी पढ़ना हराम है, अंग्रेज की नौकरी करना हराम है और मुसलमान उठो तलवार उठाओ और अंग्रेजों को मुल्क से बाहर कर दो, ये मुल्क को उलमा कहना चाहिए। JBD banquets lie hai. Incredible marriage palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।